वेलकम स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑनलाइन एजुकेशन जीवन प्रज्ञा विद्यालय। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर फ्लाइंग साउथ पार्ट टू। पार्ट वन में हमने पढ़ा था अ वाइल्ड गोस, हिज विंग इज इंजर्ड। एक जंगली हंस है जिसके पंख इंजर्ड हो गए हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे पार्ट टू। हिज विंग वॉन्ट हील दिस विंटर, उनका विंग इस सर्दियों को ठीक नहीं करेगा। आफ्टर विंटर, सर्दियों के बाद, ही कुड फ्लाई विथ द अदर गीज, वो दूसरे गीज के साथ उड़ सकता था। आई डोंट नो वट ही वुड डू आफ्टर बिगिंग हियर ऑल विंटर, मुझे नहीं पता कि वह सारी सर्दियों में यहाँ रहने के बाद क्या करते हैं। लेट्स कीप हिम विथ अस फॉर एवर, सर्दियों में उसे हमेशा हमारे साथ रखे। ही वुडंट कीप बर्ड्स एज अ पेट्स, हमें बर्ड्स को पालतू जानवर के रूप में नहीं रखना चाहिए। हाउ डू वी इंश्योर दैट द गोस विल बी सेफ वंस ही इज सेट फ्री, एक बार आज़ाद होने के बाद हम कैसे सुनिश्चित करें कि वसीयत सुरक्षित रहेगी। सी द पिक्चर। लेटर इन द डे, कुछ दिन बाद, मोली फाउंड अ पिक्चर ऑफ इन एरोप्लेन, मोली को एक एरोप्लेन की तस्वीर मिली। अंडर द पिक्चर वॉज रिटन, तस्वीर के नीचे लिखा था फ्लाई साउथ फॉर द विंटर, विंटर के लिए साउथ। दैट्स वॉट अवर गोस वॉन्ट्स टू डू, यही हमारा गुड़ा करना चाहता है। आई सी हिम बिट हिज ग्रेट विंग्स, मैं देखता हूँ कि वह अपने महान पंखों को हरा रहा है। मोली रन टू हर मदर, मोली दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। मदर, वुड अ प्लान टेक ओवर गोस साउथ फॉर द विंटर, माँ क्या कोई विमान सर्दियों के लिए हमारे हंस को दक्षिण ले जाएगा? ओ यस, अरे हाँ। इफ द गोस वेर इन अ क्रेट, बट अ क्रेट वुड बी वेरी कॉस्टली, अगर हंस एक टोकरे में थे, लेकिन एक टोकरा बहुत महंगा होगा। कैन वी फाइंड आउट हाउ मच इट वुड कॉस्टली, क्या हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी? वी आर टू फेयर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के से बहुत दूर है। आई गेस यू कैन राइट टू इन एयरलाइन, आप एक एयरलाइन के लिए लिख सकते हैं। जिम विल हेल्प यू, लगता है जिम आपकी मदद करेंगे। नाउ स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट टू। अब हम मिलेंगे पार्ट थ्री में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके okay?